कैपिटल अकाउंट के मतलब कैपिटल अकाउंट ज्यादा इजी होता है करंट अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट के ना सिर्फ तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर उसमें भी मैं बात करूं तो मेन तो दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, तीसरा तो चलो ठीक है चच्चा आ गए बीच में, ठीक है, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो मेन दो कंपोनेंट्स है, जिसमें एक होता है इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा होता है बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स। तो कैपिटल अकाउंट क्या करता है, ये कैपिटल अकाउंट जो है ना वो एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन को चेंज करता है, इंपैक्ट करता है। करंट अकाउंट सिर्फ करंट ईयर के गुड्स सर्विसेज सेल वेल पैसा आना इनकम वगैरह इन सबको इंपैक्ट करता है, बट कैपिटल अकाउंट क्या करता है वो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन को इंपैक्ट करता है, उसको कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो भैया कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब जो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन को इंपैक्ट करता है, उनको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन को इंपैक्ट करता है आर कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक, चलिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस तो अपने को समझ आ गया, नाम से पता लग गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस विच इंपैक्ट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन आर कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में मेनली कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, मेनली दो चीजें आती है, एक मैंने कहा इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स, तीसरा एक और आता है जहां पे चच्चा का रोल प्ले होगा, बट वो अपन बाद में प्ले करेंगे। ठीक, लास्ट के अंदर तो मेन इसमें क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा क्या आता है इसके अंदर, बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स। और पहला आता है आपका क्या, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा क्या है आपका, बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेट क्रिएट करना। इन्वेस्टमेंट मतलब सिंपली एसेट क्रिएट करना, आप सिंपल एसेट क्रिएट कर रहे हो, इसको इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो, एसेट का क्रिएशन करोगे, सिंपली इतनी सी बात है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, आप इन्वेस्टमेंट या तो इंडिया में कोई करेगा या इंडियन कंपनी या इंडियंस इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं या तो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपने किया, जिसको अपन FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर आपने सिंपली छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स किए, जिसको अपन कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो भैया इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडिया बाहर भी कर सकता है, फॉरेन से इंडिया में भी आ सकता है, ठीक है, इंडिया से फॉरेन में भी जा सकता है, फॉरेन से इंडिया में भी आ सकता है। तो जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भाई FDI है, आप इसको ऐसा मत समझो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर दिया इसका मतलब इंडिया में भाई फॉरेन से आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया से फॉरेन में भी जा सकता है और फॉरेन से इंडिया में भी आ सकता है इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो आपको उन एसेट्स को कंट्रोल करने की पावर दे देता है, क्या देता है, उन एसेट्स को कंट्रोल करने की पावर दे देता है, तो उसको कहते हैं FDI। क्या कहते हैं उसे, FDI, मतलब आपके पास यहां पे कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। सो कंट्रोलिंग पावर जहां पे आ जाती है उसको कहते हैं FDI, यहां पे क्या आ जाती है, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा पावर टू कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन कंपनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नाम हिंदुस्तान लगा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडियन कंपनी हो गई, यूनिलीवर फॉरेन की कंपनी है, US की कंपनी है, उसने इंडिया में पैसा डाला, डिसीजन कौन लेता है, यूनिलीवर ही लेता है।
कोकोकोला की बात करते हैं, कोकोकोला का प्लांट इंडिया में है, कोकोकोला डिसाइड करता है कब बेचनी है, कितनी बेचनी है, क्या बेचनी है। मैकडॉनल्ड्स है, फॉरेन कंपनी है, उन्होंने इंडिया में क्या करी, अपनी अपनी यूनिट्स चालू करी। सो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब कहलाती है FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से इंडिया से भी FDI होता है फॉरेन के अंदर, इंडिया भी क्या करता है फॉरेन में FDI करता है। रिलायंस ने, टाटा की बात करते हैं, जैगुआर खरीद ली, जैगुआर खरीद ली। टेटले, टेटले जो टाटा, टाटा के साथ जो टेटले आती है ना, टेटले ग्रीन टी आती है, ठीक है, वो टाटा ने खरीद ली। कोरस स्टील को खरीद लिया टाटा ने। टाटा इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स को खरीदता जा रहा है या खरीद चुका है ऑलरेडी। तो ये क्या है, टाटा ने क्या किया, टाटा ने इंडिया से जो पैसा है, इंडिया का जो पैसा है, उससे फॉरेन में एसेट्स एक्वायर कर ली, फॉरेन में एसेट्स एक्वायर करी, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिया। तो कंट्रोलिंग पावर या कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता है। अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, FDI अगर इंडिया में आ रहा है, इफ FDI इज कमिंग इन इंडिया, इट विल ऑल्सो ब्रिंग मनी टू इंडिया। भाई FDI इंडिया में आएगा, तुम यहां पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदने आओगे तो पैसा तो लेके आओगे, ऐसे कैसे तुम्हें सामान दे देंगे। तो FDI अगर इंडिया में आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आ रहा है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहां पे आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इट विल बी कॉल्ड एज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसे क्या कहेंगे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया में पैसा इनफ्लो होगा, आएगा। और उसी तरीके से, उसी तरीके से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रही है, कहां पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, इंडिया, कहां पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इसको क्या कहा जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, आई एम सो सॉरी, आउटफ्लो कहेंगे, आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया से पैसा बाहर जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, दूसरी कंट्री में जाने के लिए ऐसे तो जा नहीं सकते अपन, दूसरी कंट्री में जाएंगे उन्हीं की करेंसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से चला जाएगा, ठीक। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिक सी बात है यार, बहुत ही बेसिक सी चीज है। मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, कुछ नहीं, आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बिना, मतलब ओनरशिप एक्वायर करना विदाउट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब ओनरशिप तो आ रही है, ओनरशिप तो एक्वायर हो रही है विदाउट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या कंट्रोलिंग पावर या अथॉरिटी, मतलब आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सीधी सी बात है, 100 बात की एक बात, आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई मेरे पास अमेज़न के शेयर्स पड़े हैं, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर अमेज़न को कुछ बोल नहीं सकता कि यार जेफ सुन, वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग प्लीज आस्क मी, कंसल्ट मी। बोले भाई सुन, 15,000 इन्वेस्ट करके मतलब क्या चाहता है तू, मतलब क्या क्या सुनना चाहता है, आप समझ रहे हो, वो जेफ बेजोस हिंदी में गाली दे देगा। देख कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भाई, 15,000 रुपये लगा के, बट ओनरशिप तो है, ओनरशिप तो है, क्यों नहीं है, बिल्कुल, ऐसे ऐसे थोड़ी है भाई। वॉरेन बफेट ने एप्पल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट उनका एप्पल का इन्वेस्टमेंट 5% है। अब आप $3 trillion की कंपनी का 5% कैलकुलेट कर लो। एप्पल में मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, इंडिया से लाखों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है एप्पल ने, एप्पल में कितना, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 5,000, किसी ने 50,000, किन्हीं 2-4-5 गिने चुने लोगों ने 2-4 crore rupees इन्वेस्ट कर रखे होंगे। बस क्या होता है, मिट्टी बराबर भी नहीं है, कंट्रोल कर सकते हो क्या आप कंपनी को, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी गिफ्ट भी नहीं भिजवाएगी आपको। तो भाई वॉरेन बफेट को कंपनी ने गिफ्ट भिजवाया कि आप नया लेटेस्ट फोन यूज करो, बोलता है नो, बस शेयर्स भिजवा दे। तो सीधी सी बात है, वॉरेन बफेट 5% ओनरशिप लेके बैठा है तो वो FDI में चला जाएगा, बट ऑब्वियसली वो FDI नहीं है, क्योंकि वो भी US का है,
कंपनी भी यूएस की है, तो वो तो कंट्री का इन्वेस्टमेंट हो गया। बट अदरवाइज कोई इंडिया से वहां पे शेयर्स खरीद ले तो एफडीआई बन जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के 10% शेयर्स मुकेश अंबानी जी ने सेल कर दिए फेसबुक को, ये पता है आपको? एफडीआई 34,000 करोड़ रुपीस फेसबुक ने किसको दिया इंडिया में? मुकेश अंबानी जी को 34,000 करोड़ रुपीस। अभी मुकेश अंबानी जी की डील हुई है सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरामको, तो सऊदी अरामको जो ऑयल का किंग है, मतलब पूरे दुनिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा यही कंपनी सप्लाई करती है। मेजरली जो पेट्रोल आपके पास आ रहा है वो इन्हीं कंपनी की वजह से आ रहा है, ठीक है? दीज आर दी मेजर एंड लीडर सप्लायर, तो यही कंपनीज जो हैं वो मेजर सप्लायर करती है, सप्लाई करती है, ठीक है, सऊदी अरामको। सऊदी अरामको ग्रीन एनर्जी में रिलायंस के साथ 63,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझ आई बात? अडानी ने पोर्ट खरीदा बाहर, इसराइल में पोर्ट ले लिया ना अडानी ने, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। श्रीलंका में, ठीक है, चाइना का जो पोर्ट है उसके ऊपर एक और पोर्ट बना रहा है इंडिया, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी, बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है इंडिया, मतलब अडानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल। तो ओनरशिप नहीं आती पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है, और यहां पे ओनरशिप आ जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स दोनों तरीके के। फिर आता है बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स। बोरिंग्स मतलब उधारी लेना। बोरिंग्स आप कहां कहां से ले सकते हो? अब इंडिया उधारी कहां कहां से ले सकता है सर? कम ऑन सर, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी से भी उधारी ले सकते हैं हम, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे उधारियां चल भी रही है हमारी, काफी हद तक चुका भी थी हमने, ऐसा कुछ नहीं है। बोरिंग्स अगर आएगी इंडिया में, बोरिंग्स अगर आएगी इंडिया के अंदर, सिंपल सी बात है, तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो किस में काउंट करेंगे? इनफ्लोज में। बोरिंग से पैसा आता है इंडिया के अंदर, पैसा मतलब बोले तो इनफ्लोज आता है इंडिया के अंदर। सो इन इंडिया वी आर गेटिंग इनफ्लोज ऑफ मनी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपन ने देख लिया, एफडीआई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आउटफ्लो हो गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप विदाउट कंट्रोलिंग पावर, और बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स, बोरिंग्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। बोरिंग्स करते तो इनफ्लो होता है, और उल्टा लैंडिंग करेंगे मतलब दुनिया को पैसा देंगे उधार, तो आउटफ्लो हो जाएगा। तो लैंडिंग लीड्स टू आउटफ्लो। अब जैसे आपने सुना ही होगा, कौन सा कंट्री है, टर्की, जहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया, वही जो इंडिया के अगेंस्ट बोलता रहता था, जो लगी बोले पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और अभी रिसेंटली इंडिया के पास, प्लीज़ कुछ खाने को दे दीजिए, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, तो इंडिया ने अभी कुछ डोनेट किया, उधारी दी है, खाने को भिजवाया है। हम दिल के बड़े हैं, हम जल्दी माफ़ कर देते हैं, ठीक है, यही होता है। पाकिस्तान अभी आके सॉरी बोल दे, हम माफ कर देंगे, सच बता रहा हूं। हाँ, ठीक है, इंडिया की हमेशा से ऐसा रही है, थोड़ा सा इंडिया जल्दी माफ कर देता है, इतना भी नहीं करेंगे, इतना जल्दी भी नहीं माफ करेंगे, बट हाँ कर देंगे माफ। बट आपको समझ आया कॉन्सेप्ट कि भाई साहब लैंडिंग है, पैसा जा रहा है, बोरिंग है, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है,
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में आ रहा है इनफ्लो, एफडीआई इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है आउटफ्लो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भी सेम चक्कर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में इनफ्लो, इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटफ्लो। भाई मैंने मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, एक ऐप है इंड मनी ऐप, आप लोगों ने अगर सुना हो उसके बारे में, उसके काफ़ी ऐड भी आते थे। इंड मनी ऐप एक ऐप है, उससे आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ दैट इंड मनी इज़ अ ब्रोकर, मैं उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करता हूँ रुपीज़ में, वो तो उसको कन्वर्ट करा के डॉलर में इन्वेस्ट करेगा ना फॉरेन के अंदर, तभी तो मेरे पास अमेजोन के शेयर्स आएंगे या किसी भी इससे फॉरेन कंपनी के शेयर्स आएंगे। डन, ठीक। अब देखिए तो होता क्या है, जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ, हमने देखा कि एक है जो इनफ्लो होगा या फिर जिसको रिकॉर्ड करा जाएगा एज अ क्रेडिट आइटम, और एक है जो आउटफ्लो होगा और जिसको रिकॉर्ड करा जाएगा एज अ डेबिट आइटम। ठीक, इनफ्लो दैट इज क्रेडिट इनफ्लो, कौन कौन से आइटम्स का इनफ्लो हो रहा है, क्या क्या इनफ्लो हो रहा है वो समझ लेते हैं। इनफ्लो मतलब क्रेडिट, कौन कौन सा पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सा पैसा आ रहा है, सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, और आउटफ्लो में चला जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, दो ही चीजें हो सकती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के। तीसरा बोरोइंग्स, ठीक है, आउटफ्लो क्या हो जाएगा, बोरोइंग्स ली अपन ने, टेकन विल बी रिकॉर्डेड एज इनफ्लो, क्यों, बोरोइंग्स का रीपेमेंट नहीं करेंगे, बोरोइंग्स रीपेड। भाई तुमने अगर कहीं से पैसा लिया है तो तुम्हें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा। उसी तरीके से चौथा लेंडिंग्स, तो पैसा जाएगा, लेंडिंग से तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, बट अगर उसने उधारी चुका दी, ठीक है, जो भी लोन अपन ने दिया था उसने उधारी चुका दी तो पैसा आ जाएगा ना, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लेंडिंग्स, ठीक है, या रीपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका रीपेमेंट आ गया तो पैसा आ जाएगा। तो ये सब तो क्या है, इनफ्लो है, इनकी वजह से पैसा आता है, ये है आउटफ्लो, इससे क्या बनता है, इससे बनता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, सिंपल।